पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि शिमला में थिएटर और थिएट्रिकल एक्टिविटीज कब और कैसे शुरू हुई। हमने 1837 से लेकर 1890 तक की बात की और ये जाना कि कैसे 1899 में यानी 1889 में शिमला की सब्जी मंडी में बने एक थिएटर में आग लगी और उस आग ने पूरा थिएटर और आसपास का इलाका पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। उस पिछले वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे गेटी थिएटर के इतिहास की, जिसने शिमला में थिएटर को एक नई बुलंदियों तक पहुंचाया। पिछले करीब 137 साल से खड़ी हुई ये इमारत अपने आप में इतिहास संजोए हुए है। कितने ही किस्से यहां के क्लब रूम में बैठ के सुनाए जा चुके हैं आज तक। इसकी हर ईंट हर पत्थर अपनी एक कहानी कहता है। 1822 में जब कैप्टन कैनेडी ने शिमला इलाका की बाउंड्री बनाई होगी तो सोचा भी नहीं होगा कि तब से 62 साल के बाद एक ऐसी इमारत भी खड़ी की जाएगी यहां पर। वायसराय और कमांडर साहब की मौजूदगी में अपने हुनर का कमाल दिखाने वालों को कितना फख्र महसूस होता होगा अपने आप पर। पूरे हिंदुस्तान और आसपास के देशों यानी कुल मिलाकर जिसे बर्तानिया हिंद या ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, राजनीतिक तौर पे वहां के सबसे ताकतवर व्यक्ति द वायसराय ऑफ इंडिया जब इस इमारत में एक मरकजी मेहमान बन के यानी चीफ गेस्ट बन के आते होंगे तो यह इमारत अपने आप पे कितना फख्र करती होगी। आज ये उन सभी यादों को अपने में संजोए बुलंद खड़ी है और आज भी यहां लगातार थिएटर से मुतालिक कुछ ना कुछ होता ही रहता है। शिमला में 1960, 70 और 80 के दशक में बज़्मे आदम नाम की संस्था के कुछ मुशायरे तारीख में दर्ज हो चुके हैं। वो उर्दू शायरों का एक जत्था जो शिमला और इसके आसपास के इलाकों के रहने वाले लोग थे, करीब 25 से 30 सालों तक गेटी थिएटर पे काबिज रहा। उनमें सबसे ऊपर नाम सुरेश चंद्र शौक, अरमान शहाबी, तलत इरफानी, जिया सिद्दीकी, कृष्ण कुमार तूर, कृष्ण चंद्र, प्रेम आलम, रजेंद्रनाथ रैबर, महेंद्र प्रताप चांद, अमर सिंह फिगार, प्रेम कुमार नजर, शबाब ललित और आजाद गुलाटी के आते हैं। गेटी थिएटर की इस इमारत की नजर से शिमला के मशहूर शायर सुरेश चंद्र शौक साहब के ये शेर याद आते हैं कि शब को हमराह लिए बीते जमाने मेरे, कोई आता है दबे पांव सराने मेरे, नाज करती है वफा जिनकी वफादारी पे, शौक ऐसे भी हैं कुछ दोस्त पुराने मेरे। इसी तर्ज पे रजेंद्रनाथ रैबर ने कहा कि भूल जाना मुझे आसान नहीं है इतना, जब मुझे भूलना चाहोगे याद आऊंगा। तलत इरफानी साहब को जब गेटी में जमने वाली महफिलों को छोड़ के शिमला से दूर जाना पड़ा तो यहीं खड़े होके उन्होंने एक नज्म कही। उसकी कुछ पंक्तियां हैं कि अब लौट के ना आएंगे ऐ शहरे दिलनवाज, लेकिन बहुत सताएगा हमको तेरा ख्याल, तेरी ही थी फजा के हम जैसे अलम नसीब, सब्र और सुकून से काट चले गम के 12 साल। याद आएंगी वो बादा परस्ती की महफिलें, जहनो जिगर में टूट के बिखरेंगे 100 गिलास, याद आएगी जब भी हमें अहबाब की हंसी, क्या क्या ख्याल तब न करेगा हमें उदास। सन 1880 का दशक वो वक्त था जब शिमला में बहुत सी इमारतों का निर्माण हो रहा था। वाइसरीगल लॉज, कैथोलिक चर्च, आर्मी ट्रेनिंग कमांड जिसे उस वक्त वेस्टर्न कमांड के नाम से जाना जाता रहा, माल रोड का एक बड़ा हिस्सा, जनरल पोस्ट ऑफिस, बैंक बिल्डिंग्स, होटल कार्टन जिसे बाद में क्लार्क्स होटल बोला गया, होटल सेसिल और गेटी थिएटर। गेटी असल में एक परिवार था जिसके कुछ लोग अमेरिका में रहते थे और कुछ ब्रिटेन में। अमेरिका में रहने वाले लोगों ने कॉलोनियल एरा के दौरान पूरी दुनिया में जहां जहां भी अंग्रेज पहुंचे वहां उनके लिए थिएटर्स बनाए।
और उन थिएटर्स को गेटी थिएटर का नाम दिया गया। ज्यादातर गेटी थिएटर अरिस्टोक्रेट्स के लिए बनाए जाते थे, उन जगहों पर जो या तो देश की राजधानी होती थी या वहां सरकार का कोई बड़ा नुमाइंदा बैठता था। ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बनने के बाद शिमला को भी वो रुतबा हासिल हो चुका था। साल के 6 महीने बरतानिया सरकार यहीं से काम करती थी। शिमला का गेटी थिएटर सन 1884 में बनना शुरू हुआ और सन 1887 में बनकर तैयार हो गया। इसके आर्किटेक्ट हेनरी इरविन एक साथ कई इमारतों पर काम कर रहे थे। हेनरी कमाल के आर्किटेक्ट थे। उन्होंने हिंदुस्तान में बहुत सी इमारतों को डिजाइन किया और एक कामयाब आर्किटेक्ट के रूप में अपने हुनर का जलवा दिखाया। जब गेटी थिएटर बन रहा था उससे पहले वाइसरीगल लॉज का काम शुरू हो चुका था और साथ ही साथ कैथोलिक चर्च का भी। इस इमारत को बनाने की बात जब उठी तो हेनरी इरविन के सामने सबसे पहले सवाल आया कि इसके लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए। मुख्य इमारत के लिए लकड़ी का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहते थे वो, क्योंकि इसके स्टेज पर और अंदर के सभागार में रोशनी के लिए मिट्टी के तेल के दियों का इस्तेमाल किया जाना था, इसलिए आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता। काफी सोच विचार के बाद यह फैसला लिया गया कि इसके लिए उसी ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया जाए जिससे वाइसरीगल लॉज बनाई जानी थी। यह सारा का सारा पत्थर उस वक्त घोड़ों और खच्चरों पर लादकर सोलन के पास बड़ोग से लाया गया। बड़ोग शिमला से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पे है। असल में गेटी थिएटर को एक टाउन हॉल के रूप में बनाया गया था जो कि कुछ इस तरह से दिखता था। टाउन हॉल जहां बनाया जाता है उसमें वहां की स्थानीय सरकार के नुमाइंदे बैठते हैं। उसमें एक क्लब, एक ऑडिटोरियम, एक कम्युनिटी हॉल, एक कार्ड रूम और कुछ दुकानें हो सकती हैं। 1887 में जब यह इमारत बनी तो यह कुछ इस तरह की दिखती थी, मगर अफसोस यह इमारत ज्यादा दिन तक टिकी नहीं रह सकी। 1905 में एक भूकंप ने, जिसका ज्यादा असर कांगड़ा के धर्मशाला पे पड़ा था और लगभग सारा धर्मशाला शहर तबाह हो गया, इस इमारत में भी कुछ दरारें डाल दी। यह भी देखा गया कि इसके निचले हिस्से पर, यानी आज जो मौजूद है, ऊपरी हिस्से का वजन ज्यादा पड़ रहा था। तब यह फैसला लिया गया कि ऊपरी हिस्से को तोड़ दिया जाए। फिर उसे तोड़कर निचले हिस्से पर छत डाल दी गई और 1907 में टाउन हॉल के रूप में एक नई इमारत को खड़ा किया गया। गेटी थिएटर के बनने के साथ ही करीब एक साल के बाद सन 1888 में एमेच्योर ड्रामेटिक क्लब को रजिस्टर कर लिया गया। शुरू में बिजली न होने के कारण इसके अंदर रोशनी के लिए मिट्टी के तेल के लैंप और दिए जलाए जाते थे ताकि कोई आग लगने का खतरा ना हो, इसलिए 3 गार्ड्स और 1 सुपरवाइजर रखा गया। कुछ दिन पहले यानी 27 मार्च 2024 को गेटी थिएटर में हुए एक कार्यक्रम में शिमला के एक जाने माने अदीब जनाब श्रीनिवास जोशी ने गेटी के बारे में बोलते हुए कहा कि एक बार एक अंग्रेज मेजर अचानक गेटी में पहुंच गए और उन्होंने कुछ दिए बुझे हुए देखे। उन्होंने सुपरवाइजर को बुलाया और पूछा, व्हाई द लैंप्स आर नॉट लाइटेड। सुपरवाइजर, जो कि एक अश्वकवि भी था, उसने अपनी अधूरी अंग्रेजी में जवाब दिया, लैंप्स आर बुझिंग बाय द हवा, निठल्ला गार्ड्स आर बैटिंग बेपरवाह। जाहिर है कि जोशी साहब की इस बात पर सारा सभागार ठहाकों से गूंज उठा। मेजर की हिंदी उतनी ही अच्छी थी जितनी कि सुपरवाइजर की अंग्रेजी। वो मुस्कुराया और वहां से चल दिया। सन 1896 तक गेटी के सभी नाटक मिट्टी के तेल के दियों की रोशनी में होते रहे। हेनरी इरविन के कहने पर स्टेज के साइड विंग्स में
उस वक्त रेत रखी जाती थी ताकि आग लगने के किसी भी हादसे के वक्त उसे इस्तेमाल किया जा सके। सन 1896 में ऐसा ही एक हादसा गुजरा। एक एक्ट के दौरान जब उसके खत्म होने पर पर्दा गिरा तो एक दिया उस पर्दे के झटके से जमीन पर गिर गया, मिट्टी का तेल फैला और स्टेज और पर्दे में आग लग गई। वहीं खड़े कुछ लोगों ने जल्दी से पास में पड़ी हुई रेत का इस्तेमाल किया और आग पर काबू पा लिया। कोई भगदड़ नहीं मची और लोगों ने बड़ी शांति के साथ वहां का माहौल बनाए रखा। मगर उसके बाद अगले साल यानी 1897 में इस इमारत में बिजली लगा दी गई। हेनरी इरविन की कारीगरी का एक और नमूना इस इमारत में देखने को मिलता है, वो है ये वेंटिलेशन टनल। उन्होंने इस इमारत की पिछले हिस्से में एक सुरंग बनाई जिसकी लंबाई करीब 10 से 15 फुट के आसपास है। इस सुरंग के दूसरे किनारे पर एक दरवाजा हुआ करता था। सुरंग की जमीन पे चारकोल जलाया जाता था। दरवाजा खुलने पे हवा अंदर आती, चारकोल से टकरा के गर्म होती, गर्म होके ऊपर उठती और दीवारों में बने हुए इन छेदों में घुस जाती। इन छेदों का दूसरा सिरा इमारत के हर कमरे में खुलता था, यानी मोटी दीवारों के बीच में पाइप नुमा जगह बनाई गई थी। यह तरीका था सर्दी के मौसम में इस इमारत को अंदर से गर्म रखने का। आज महानगरों की बड़ी बड़ी इमारतों में एयर कंडीशनिंग इसी तर्ज पे की जाती है। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद गेटी थिएटर भारतीय सरकार के पास आ गया। हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य सरकार में एक डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर। आज ये इमारत इसी डिपार्टमेंट की संपत्ति है। इस डिपार्टमेंट का काम राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, भाषा और कला की देखभाल करना और उसे बचाकर रखने के प्रयास करते रहना है। आज भी इस डिपार्टमेंट की देखरेख में यहाँ लगातार नाटक, कवि सम्मेलन और अन्य कार्यक्रम होते रहते हैं। सन 2004 में इस बिल्डिंग को रेनोवेशन के लिए बंद कर दिया गया था। 25 जनवरी 2009 को इसे फिर से खोला गया। 5 साल के रेनोवेशन के दौरान इसमें एक मल्टीपर्पज हॉल, एक आर्ट गैलरी और एक एग्जीबिशन हॉल जोड़ा गया। एडीसी को ऊपरी इमारत में शिफ्ट कर दिया गया और पुलिस रिपोर्टिंग रूम को ज्यों का त्यों रहने दिया गया। ये सारा काम मुंबई से आए एक आर्किटेक्ट जनाब वेद सिगन की देखरेख में हुआ।